यार पता है क्या, मैं हमेशा अपने दोस्तों को एक बात बोलता हूँ, यू मस्ट बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड। अब आप में से कई लोग बोलेंगे भाई ये तूने नहीं, महात्मा गांधी ने बोली थी। पर अगर मैं ये बोलूं कि नहीं यार ये मैंने ही बोली है, और मैं इस बात का क्रेडिट ले लूं कि भाई ये बात मैंने बोली है, तो इसको बोलते हैं प्लेजरिज्म। ठीक है, अब प्लेजरिज्म एक ऐसा वर्ड है जो शायद इंडिया में इतना लोग फोकस नहीं करते। इफ यू आर प्लानिंग टू स्टडी अबॉर्ड तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि बाहर वाले लोग इस वर्ड को इतना सीरियस लेते हैं कि वो आपको कॉलेज से निकाल भी सकते हैं, इवन पुलिस केस तक हो जाते हैं कई केसेस में। इस वीडियो में हम चार चीजों के बारे में बात करेंगे। द फर्स्ट वन इज कि प्लेजरिज्म होता क्या है, सेकंड हाउ यू कैन अवॉइड प्लेजरिज्म, थर्ड प्लेजरिज्म को चेक कैसे करते हैं, अगर तुम्हें खुद का चेक करना हो तो तुम कैसे चेक कर सकते हो, एंड द फोर्थ वन द AI टूल्स लाइक चैट GPT और कॉपी डॉट AI, क्या आप इनकी मदद से कैसे एक सक्सेसफुली अपना प्रोजेक्ट या फिर अपना जो असाइनमेंट है वो लिख सकते हो विदाउट गेटिंग डिटेक्टेड। सो हेलो किंग्स एंड क्वींस, आपका स्वागत है मेरे चैनल निटपिट के ऊपर। सो आई हेल्प इंटरेस्टेड स्टूडेंट इन फाइनेंस बिजनेस एंड समटाइम्स आई पोस्ट ब्लॉग्स हियर टू। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन डू सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले समझते हैं कि प्लेजरिज्म होता क्या है। तो मैं अगर आपको सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो ये सोच के देखो कि आपने रात भर बैठ के एक असाइनमेंट किया है, और सुबह सुबह जाके आपका कोई असाइनमेंट कॉपी करके या फिर आपकी कॉपी चुरा के मैम को सबमिट कर देता है विदाउट गिविंग योर क्रेडिट। आई होप कॉर्पोरेट वाले समझ गए होंगे। तो आपको कैसा फील होगा, आपको लगेगा ना कि यार ये तो मेरा काम था और ये मैंने किया है, और ये और इसका जो बेनिफिट होने वाला है वो कोई दूसरा बंदा लेके जा रहा है। तो इसको बोलते हैं प्लेजरिज्म। तो बेसिकली किसी और का काम अगर आप विदाउट गिविंग देम अ क्रेडिट यूज करते हो किसी भी चीज के लिए, तो उसको बोलते हैं प्लेजरिज्म। ठीक है, अब ये चीज म्यूजिक में भी हो सकती है, इसको कॉपीराइट में कहते हैं, पिक्चर्स, फोटोज, इवन रिसर्च, इवन असाइनमेंट्स, कोई भी चीज अगर आप किसी और का काम यूज करते हैं, किसी और का जो रिसर्च है, किसी और का जो टैलेंट है उसको यूज करते हैं और उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करते हैं, आप तो उसको बताते नहीं कि भाई मैंने ये सोर्स यहां से उठाया है, तो इसको बोलते हैं प्लेजरिज्म। अब सेकंड चीज ये कि प्लेजरिज्म को परसेंटेज में काउंट होता है। इसका मतलब ये होता है, तुमने कोई असाइनमेंट लिखा है जिसमें 20% तुमने किसी और का कॉपी किया है, तो इसका मतलब तुम्हारे जो प्लेजरिज्म है वो 20% से आया है। अब जैसे कि हम अगर याद होगा हमने स्कूल्स में बहुत ज्यादा विकिपीडिया से कॉपी करके पेस्ट किया है चीजें, तो दैट इज द 100% प्लेजरिज्म। जब नाउ यूनिवर्सिटीज में कितना लोड होता है, यूनिवर्सिटीज डिपेंड करता है कि तुम्हारे प्रोफेसर या फिर तुम्हारे जो यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस में, कई प्रोफेसर 20 से 30% तक अलाउ करते हैं, कोई प्रोफेसर 10% तक अलाउ करता है, और कोई प्रोफेसर 2 to 5% तक मैक्सिमम इसको अलाउ करते हैं। तो चेक विद योर प्रोफेसर और सब्जेक्ट कि वहां पे प्लेजरिज्म कितना अलाउड है। लेट्स टॉक अबाउट हाउ कैन यू चेक योर प्लेजरिज्म परसेंटेज। तो आपको अगर आपको परसेंटेज चेक करना है तो कुछ ऐसी साइट्स हैं जिस पे आप जाके अपना प्लेजरिज्म चेक कर सकते हो, जो कि है ग्रामरली, यू कैन चेक योर सिमिलैरिटी, तो प्लेजरिज्म को सिमिलैरिटी भी बोलते हैं। सिमिलैरिटी आप MS वर्ड पे देख सकते हो, बट MS वर्ड का जो इतना अच्छे से काम नहीं करता। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रामरली, सेकेंड है दिस टूल, एंड थर्ड दिस टूल। तो आपको अपना हर प्रोजेक्ट पहले इन वेबसाइट पे जाके चेक करना है, एंड द गुड पार्ट इज दे आर फ्री ना। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो कॉलेज होते हैं ना वो प्लेजरिज्म चेक करते हैं टर्नइटिन से। ठीक है, और इसका एक्सेस है ना मोस्टली कॉलेज और प्रोफेसर के पास होता है, क्योंकि इसका जो डेटा बेस है वो बहुत बड़ा है। बट कई स्टूडेंट्स के पास इसका एक्सेस होता है, कॉलेज वाले देते हैं कि अपना असाइनमेंट पहले चेक करो और उसके बाद सबमिट करो, तो दैट इज अ गुड थिंग। अगर आपके पास नहीं है तो आई विल सजेस्ट यू तुम किसी ऐसे बंदे से कनेक्ट करो जिसके पास इसका एक्सेस हो, और तुम उससे उसका ID पासवर्ड ले सकते हो, या फिर अवेलेबल नहीं है तो इन वेबसाइट्स पे जाके अपना परसेंटेज चेक करो। और ये बात याद रखना, अगर इस पे जितना परसेंटेज दिखा रहा है तो मान के चलो कि इससे ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि उनके जो तुम्हारे प्रोफेसर्स होते हैं उनके पास एक हैवी डेटाबेस होता है। तो आई विल सजेस्ट यू कॉपी मत करना, कॉपी करना पड़ रहा है, तो नाउ आई विल टेल यू हाउ यू कैन कॉपी फ्रॉम द इंटरनेट। नाउ प्लेजरिज्म से बचने के ना दो तीन तरीके हैं। तो पहला तरीका ये है कि साइटेशन। देखो साइटेशन क्या होता है कि तुम किसी चीज को अगर कोट कर भी रहे हो ना, या तुम किसी चीज को कॉपी कर भी रहे हो, तो कोट दे, मतलब तुम वहां पे बता दो कि ये किसने बोली थी और कहां से तुमने इसका रेफरेंस उठाया है। नेक्स्ट प्रोसीजर ये है कि आफ्टर साइटेशन इन द फुटर्स तुमने लिख दिया कि तुमने यहां से इसका रेफरेंस उठाया है। वो विकिपीडिया भी हो सकता है, वो कोई ऑथर भी हो सकता है, वो यूट्यूब भी हो सकता है, वो कोई किसी बंदे का नाम भी हो सकता है, तो उसको साइट कर दो नीचे, उसका रेफरेंस डाल दो। और ये तो हो गया पहला तरीका। अब चलते हैं सेकंड तरीके की तरफ। नाउ द सेकंड वे ऑफ अवॉइडिंग प्लेजरिज्म इज रीफ्रेजिंग या पैराफ्रेजिंग। अब पैराफ्रेजिंग क्या होता है, लेट्स से तुमने कोई चीज पढ़ी है, ठीक है, और तुम उसको ऐसे कैसे कॉपी करोगे तो वो तुम
प्लेजरिज्म के अंदर आ जाओगे, वो एक प्योर कॉपी एंड पेस्ट हो गया। अब क्या करो, तुम उसको पढ़ो और अपने दिमाग में उसको कॉन्सेप्ट को रीड करो, समझो और अपने हाथों से लिख दो, यानी कि अपनी लैंग्वेज में लिख दो। दैट इज अनदर वे टू अवॉइड प्लेजरिज्म। अब कई बार कुछ टूल्स भी हैं, जैसे क्विल्ट बॉट हो गया और ये वाला हो गया, इससे यू कैन जस्ट कॉपी दैट, पेस्ट दैट, वो आपके लिए रिफ्रेश करके देगा। इवन चैट जीपीटी भी ये कर सकता है आपके लिए, और तुम्हें उसको पेस्ट करना है। बट नाउ इंश्योर कि ये चीज भी पकड़ी जा सकती है। आजकल के जो प्लेजरिज्म चेकर जो होते हैं वो बहुत स्मार्ट हो गए हैं, तो वो भी चेक कर सकते हैं कि तुम्हारा जो ये सेंटेंस है वो पैराफ्रेज तो नहीं है। बट दिस इज अ वर्क अराउंड अगर तुम्हारा जो प्रोफेसर है वो ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है प्लेजरिज्म को लेके। अब बताऊंगा कि तुम कौन सी एआई वेबसाइट यूज कर सकते हो पैराफ्रेजिंग के लिए या फिर इस लैंग्वेज को चेंज करने के लिए। तो उससे पहले ये बात करते हैं कि दो तरीके हैं। पहला है कि तुम साइट कर दो उसको, जो तो रेफरेंस है तुम्हारा। तो सेकंड तरीका है, वो है पैराफ्रेज कर दो। ना पैराफ्रेज करने के लिए तुम एआई टूल की हेल्प कर ले सकते हो। बट नाउ रिमेंबर कि एआई टूल्स आर गेटिंग स्मार्टर, जो मैंने बताया था वो आपको पकड़ लेंगे कि तुमने ये पैराफ्रेज किया है या कैसे भी किया है। तो पैराफ्रेज करने के लिए अगर तुम चैट जीपीटी यूज कर रहे हो ना, तो कुछ इस तरीके से करो जो मैं आपको वीडियो पे दिखा रहा हूँ अभी। तो देखो, अब तुम्हें एक एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूँ। जैसे मान लो मुझे एक असाइनमेंट लिखना है केस मैनेजमेंट के ऊपर। तो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के एक आर्टिकल में मैंने कॉपी कर लिया और मैंने इसको रीफ्रेज नहीं किया। मैंने एक काम किया, मैंने इसको यहाँ से उठाया, ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसको ग्रामरली पे जाके और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको स्कैन कर रहा हूँ। अब इससे, अब मैंने को बताया था ग्रामरली से हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमारा प्लेजरिज्म कितना है। अब यहाँ पे डेफिनेटली हमारा जो प्लेजरिज्म है वो आने वाला है। तो यहाँ पे इसने दिखा दिया कि सिग्निफिकेंट प्लेजरिज्म फाउंड, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हम पकड़े जाएंगे। तो अब इसको बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें जाना चैट जीपीटी पे, और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर रखा था कि हमारा टाइम बच जाए। मैंने यहाँ पे पेस्ट किया आर्टिकल और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि रीफ्रेज दिस। अब इसने क्या किया, इसको रीफ्रेज कर दिया। अब मैं अगर मैं इस चीज़ को कॉपी करता हूँ, मैं कंट्रोल ऑल कंट्रोल वी स्कैन। अब देखो, अब ये हमारा जो सिमिलैरिटी वो पकड़ नहीं पाएगा। देखो, नो प्लेजरिज्म फाउंड, ठीक है, तो यहाँ पे हम बच गए। बट यहाँ पे अब एक गड़बड़ हो गई है, और वो गड़बड़ ये है कि अब यहाँ पे जो हमने आर्टिकल पेस्ट किया है ना, अब ये एआई डिटेक्टर टूल में जाएंगे हम, जो कि heraiter.com से एआई। अब मैं यहाँ पे इसका अगर पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं इसको एनालाइज करता हूँ, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे अभी देखो 88% कंटेंट जो है ये बता दिया इसने कि एआई ने जनरेट किया है। तो मतलब यू शुड एडिट योर टेक्स्ट, इसने हमें रिकमेंड किया है, हमें इसको वो करना चाहिए। अब उस चीज के लिए मैंने क्या किया है, मैंने इसको ऐसे लिखा है कि राइट इन ह्यूमन वे। अब इसको, अब ये चीज तुम्हें याद रखनी है, तुम यहाँ पे इन ह्यूमन वे लिख सकते हो, यहाँ पे नॉन एआई वे लिख सकते हो। तो अब मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और अब मैं जाके इसको दोबारा कंट्रोल वी करता हूँ। अब तुम यहाँ पे देख सकते हो कि जो परसेंटेज है अब वो 99% हो गई है, एंड दिस इज द ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज चैट जीपीटी अगर आप कहीं से कॉपी कर रहे हो तो। नाउ द सेकंड टूल इज क्विल बॉट। यहाँ पे भी तुम अपना टेक्स्ट पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे पैराफ्रेज दबा दो, ये तुम्हारे लिए पैराफ्रेज कर देगा। और दिस इज द कि तुम्हें कितना, ये एक लाइन है, तुम्हें कितना अपना जो सेंटेंस है वो पैराफ्रेज करना है। अब दिस विल पैराफ्रेज योर होल असाइनमेंट। बस यहाँ पे तुम इसको पढ़ लेना, क्लिक करोगे तो तुम चेंज कर सकते हो कि तुम्हें अगर इसके जगह कुछ और लिखना है तो वो तुम लिख सकते हो। तो दिस इज़ अ ग्रेट फ्री टूल, इवन लॉग इन करने की जरूरत भी नहीं है। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज चैट जीपीटी एंड क्विल बॉल्ट टू इन योर फेवर, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। और भी कई ऑप्शन है, कॉपी डॉट ए आई तुम यूज कर सकते हो। एंड इन द एंड आई सजेस्ट कि कॉपी मत करो, जितना हो सके उतना रिसर्च करके खुद ही अपने सोर्सेज और अपने अपना एनालिटिकल थॉट डालो, क्योंकि दिस इज वॉट यू आर हेयर फॉर। थोड़ी सी पढ़ाई, ज़्यादा तो नहीं बोलूंगा क्योंकि आई नो इंटरेस्टेड स्टूडेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, बट पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम वहाँ कुछ सीखने गए हो तो सीखो, और अपना जो असाइनमेंट्स है वो टाइम पे है और अच्छे से करो। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, कुछ बेनिफिट आपने लिया हो इससे, तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, ड्रॉप अ कॉमेंट। माई नेम इज नेटबिट, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।